नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल जम्मू में एक बड़ा टेरर अटैक हुआ, जहां पर टेररिस्ट द्वारा वैष्णो देवी को विजिट करने गए श्रद्धालुओं पर एक बड़ा टेरर अटैक हुआ, जिसके वजह से हमारे 10 भारतीय अपने जान गंवा दिए। इसके साथ साथ 33 लोग इस वक्त इंजर्ड बताए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो अटैक हुआ है जम्मू के रिसी जिले में हुआ है, जहां पर मंदिर को विजिट करके वापस आ रहे श्रद्धालुओं के बस पर 3 टेररिस्ट ने मिलकर के अटैक किया, जहां वे कोशिश कर रहे थे कि पहले बस ड्राइवर को गोली मार के हत्या कर दी जाए, उसके बाद आराम से उस बस के अंदर जा करके उस बस में मौजूद 50 से भी लोगों को मार दिया जाए और भारत को एक बड़ा नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन उस बस ड्राइवर ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए बस को वहाँ से तेजी से ले जाने की कोशिश की, लेकिन बस ड्राइवर को गोली लगने की वजह से बस डिसबैलेंस हो गया और खाई में जाके गिर गया और वहां पर 10 जन की मौत हो गई। इसके बाद वहां के लोकल्स ने बचे हुए लोगों की रेस्क्यू तो करवा ली, लेकिन अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है कि ये जो टेरर अटैक किया गया है, इसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से है और खुद पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व होने की शक आ रही है। और अगर ये बात प्रूफ हो जाता है कि इस पर पाकिस्तान का लिंक मौजूद है, तो क्या मोदी सरकार एक बड़ा एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ? जिस तरह से मोदी जी ने उरी और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसी तरह से क्या एक और अटैक किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें और इसी तरह के जियोपॉलिटिकल और डिफेंस रिलेटेड और अन्य न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर दिन अपडेटेड रहें।